कोटबुद्धि राजवर्धन ग्रामीण सांसद भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। राठौर ने अपने 8वां विधानसभा क्षेत्र में CSC वही PSC केंद्र को कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। वहीं केंद्र पर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मास्क भेंट किए गए। राजवर्धन सिंह कोटपुतली के नरहेड़ा CSC केंद्र पर पहुंचे, वहीं पर बता दें व्यवस्था का जायजा लिया और कोविड प्रबंधक पर राज्य सरकार अड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार एक साल पहले ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर राजस्थान सरकार को दे दिए थे, लेकिन राज्य सरकार कोरोना की दूसरी लहर का इंतजाम कर रही थी। एक साल से राज्य सरकार ने ना ऑक्सीजन प्लांट बनवाया और ना ही वेंटिलेटर करवाया। राज्य सरकार कोविड केयर प्रबंधक वहीं विफल रही। वहीं बता दें राज्य सरकार कोरोना जैसी महामारी के आंकड़े छुपाने और कोरोना की जांच बंद करवाने और मौत के आंकड़े को छेड़छाड़ के आरोप लगाए। प्राइम लेके न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही लक्ष्य रखा है पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि सेवा ही हमारा संगठन है, और जिस तरह की दशा मैं देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर उसमें बहुत दुख होता है। कोविड की कोई तैयारी नहीं हुई, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगे। यहाँ पे सरकार है, विपक्ष नहीं है। ये तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो नहीं निभाई जिम्मेदारी इन्होंने, और उस कारण से ये राजस्थान सरकार अपनी छवि सुधारने में ये आदेश दे रही है कि टेस्टिंग कम करो ताकि आंकड़े कम दिखाई दे। ये नहीं समझ रही कि अगर टेस्टिंग कम होगे तो असली नुकसान मरीजों का होगा, जनता का होगा। दूसरी बात, ये आंकड़े छुपा रहे हैं। आंकड़े कहां के छुपा रहे हैं? ये ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़े छुपा रहे हैं कि देहांत कितनों का हो रहा है, अपनी छवि सुधारने के लिए। मतलब अपनी छवि के लिए सबको कुर्बान करने को तैयार है। इनके खुद अधिकारी कहते हैं साहब अस्पताल में जितनों की मृत्यु हो रही है उनका तो आंकड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में तो हमें पता नहीं। घर में इलाज करा रहे हैं, घर में इलाज कोई मर्जी से थोड़ी ना करा रहे। आपके ICU बेड की कमी है, इस कारण से वो पहुंच नहीं पा रहे अस्पताल तक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रखी। जनवरी 2021 में 4 प्लांट दिए थे जो आज की तारीख में भी राजस्थान सरकार तैयार नहीं कर पाई है। 19 प्लांट है आज की तारीख में जो केंद्र सरकार ने मोदी जी ने दिए हैं। PM केयर फंड से ये पैसा आया था। वेंटिलेटर 1900 वेंटिलेटर आए थे पूरे राजस्थान में, उसकी कहानी तो आप सब जानते ही है, दोहराने की जरूरत नहीं है। कभी डब्बों में बंद रखते हैं, कभी उनको निकालते हैं, जब दबाव बना जनता का मीडिया का तो निकाल के बोलते हैं साहब हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, ये खराब पड़े। तो पहले एक साल क्या कर रहे थे आप? एक तरफ से कोविड की मार लग रही है राजस्थान, दूसरी तरफ से राजस्थान नंबर 1 पूरे देश में। आप सोचिए कि किस पे बन रहा है? दलित अत्याचार पे नंबर 1 बन रहा है, महिला उत्पीड़न के ऊपर नंबर 1 बन रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर 5 ऐसे कांड सामने आए हैं पूरे राजस्थान के अंदर, ये लगातार हो रहा है। यहाँ तक कि महिला सांसद भी बन जाए तो भी सुरक्षित नहीं है। और गलती क्या है कि जनता की सेवा करने के लिए राशन लेके जा रही थी तो सरिया और पत्थरों से वहां पर उनके ऊपर वार करा गया। दलित सांसद बन जाए तो भी सुरक्षित नहीं है। आप जान समझ सकते हैं कि अगर नंबर 1 बन गया राजस्थान पूरे देश के अंदर तो क्या हालात है।